हे व्हाट्सअप गाइस, मैं निशा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फायरबेस के बारे में कुछ, मतलब जो जिसके भी फायरबेस के ऊपर कुछ डाउट है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है फायरबेस के साथ, तो इस वीडियो को आपको देखने से क्या होगा, जो फायरबेस के साथ आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो या गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। तो देखिए मैं लैपटॉप पर हूँ, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा थैंकेबल पर। यहाँ मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन कर लिया और देखिए एम्प्टी प्रोजेक्ट पर और यहाँ कुछ चीज़ें दिखाऊंगा फायरबेस के साथ। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा फायरबेस पर। देखिए फायरबेस पर जाने के लिए firebase.com पर जाना होगा। इसके बाद गो टू कंसोल, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमको फायरबेस पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा फायरबेस के बारे में। आपको इतना तक तो पता ही होगा क्योंकि मेरे अभी तक मतलब बहुत सारे वीडियो है फायरबेस के ऊपर, जिसके जितना भी डाउट है मैं इस वीडियो पर फायरबेस के बारे में क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, यहाँ देखिए एड प्रोजेक्ट है और बाकी सारा ये भी मेरा प्रोजेक्ट है, टेस्ट नाम का, कैश मनी, वॉलपेपर, लाइब्रेरी, ठीक है। तो अब देखिए एड प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। अब जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो सिर्फ यहाँ एड प्रोजेक्ट दिखाएगा और बाकी सारा तो मेरा पहले से बनाया था प्रोजेक्ट, इसीलिए दिखाया। तो इसका नाम देते हैं फायरबेस, firebase, फायरबेस टेस्ट, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ फायरबेस का एक आईडी जनरेट हो गया है ऑटोमेटिक। इसके बाद देखिए नीचे आया है कंट्री, यहाँ आपका कंट्री सिलेक्ट करना है। डिफ़ॉल्ट में यूनाइटेड स्टेट है तो हमारा इंडिया है, मेरा इंडिया है और आपका पाकिस्तान जो भी हो आपको देना होगा, इंडिया है तो इंडिया देना होगा। इसके बाद देखिए क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है, क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट फायरबेस टेस्ट। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है, नाम है फायरबेस टेस्ट फिनिशिंग अप, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए यू आर न्यू प्रोजेक्ट इन इज रेडी, तो इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए वाला जो फायरबेस का जो प्रोजेक्ट था ओपन हो गया है। अगर आप नया हो तो फायरबेस पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, यहाँ मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं। अगर आपके फायरबेस के बारे में कुछ नॉलेज है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम आज सिखाएंगे फायरबेस डाटाबेस के बारे में। जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस मतलब यहाँ हम जो ऐप बनाएंगे, ऐप पर कुछ डेटा मतलब कुछ टेक्स्ट फायरबेस से लेना है या फायरबेस से कुछ टेक्स्ट यहाँ देना है, ठीक है, सॉरी फायरबेस से कुछ टेक्स्ट एप्लीकेशन पर लेना है या एप्लीकेशन पर कुछ लिखा है, मतलब फ़ोन नंबर है वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे कि लोगों को अगर साइनअप कराया तो उसका डिटेल सबको फायरबेस पर रखना है, एक डेटाबेस है, ठीक है। इसके साथ हम कैसे कनेक्ट करते हैं, थैंकेबल ऐप के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, API के थ्रू, ठीक है। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो इस API के थ्रू हम कनेक्शन करते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ एक प्री लोडेड एक एक्सटेंशन है, मतलब जो हम एक्स्ट्रा करके इंपोर्ट करते हैं इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। अगर यहाँ है पहले से तो इसको एक्सटेंशन नहीं है, यह कंपोनेंट है। जो कंपोनेंट यहाँ नहीं होता है थैंकेबल पर इंपोर्ट करते हैं तो इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा करके हमने यहाँ इंपोर्ट किया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल पर है, अगर आप API बिल्डर यूज़ करेंगे तो वो स्टोरेज पर मिल जाएगा, ठीक है। फायरबेस DB मतलब डेटाबेस, तो यहाँ हम इसको ड्रैग कर दिया। तो इसके बाद देखिए फायरबेस पर फायरबेस टोकन, फायरबेस URL यहाँ यूज डिफ़ॉल्ट है, और देखिए फायरबेस प्रोजेक्ट, ये सब के बारे में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो अब फिर से मैं जाऊँगा फायरबेस पर, यहाँ देखिए क्लाउड फायरबेस बेटा और यहाँ रियल टाइम डेटाबेस। देखिए रियल टाइम डेटाबेस को हमको सिलेक्ट करना है, गेट स्टार्टेड। इसके बाद देखिए स्टार्ट इन लॉक्ड मोड, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, ठीक है। तो इसको हमको सिलेक्ट करना होगा लॉक मोड, इसके बाद इनेबल। देखिए यहाँ ऊपर आया है डेटा रूल्स बैकअप यूजेस, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा फायरबेस का जो URL होता है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ कुछ नहीं है, डिफॉल्ट लिखा है फायरबेस URL। देखिए ये वाला हो गया है हमारा इस प्रोजेक्ट का URL, देखिए फायरबेस टेस्ट नाम का जो प्रोजेक्ट है इसका URL है ये, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है, अभी एम्प्टी प्रोजेक्ट है। और देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है कि फायरबेस टोकन, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ है फायरबेस टोकन, और अगर आपका ऐप जो है एंड्रॉइड स्टूडियो पर है या API बिल्डर पर है तो फायरबेस टोकन आपको देना होगा। फायरबेस टोकन कहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ तो URL मिल गया है। फायरबेस टोकन के लिए आपको जाना होगा इस वाला मतलब सेटिंग्स का सिंबल पर, यहाँ क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट सेटिंग, देखिए यहाँ आपका जो वेब API के है, मतलब जो API के साथ कनेक्शन होता है मैंने बोला था वही देखिए यहाँ है, इसको हमको कॉपी करना होगा
और जो AF है देखिए इस कंपोनेंट पर फायरबेस टोकन पर कंट्रोल ए, इसके बाद बैक पेज से डिलीट, इसके बाद कंट्रोल बी, ठीक है ये वाला हो गया है हमारा फायरबेस टोकन। देखिए हमने यहाँ से लाया हो, इसके बाद देखिए यहाँ क्या देना होगा फायरबेस URL, मतलब ऐप के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे ये सारा चीज़ आपको देना होगा, ठीक है। फायरबेस URL कहाँ है देखिए डेटाबेस पर है, स्टोरेज पर नहीं, स्टोरेज पर जो फोटो वीडियो होता है तो स्टोरेज पर जाना होगा, डेटाबेस पर सिर्फ टेक्स्ट होता है। देखिए डेटाबेस, इसके बाद रियल टाइम यहाँ जाना होगा, इसके बाद एनेबल, ठीक है। ये बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो रूल्स है यहाँ देखिए डेटा है रूल्स है, रूल्स पर कुछ मतलब रूल्स देना होगा कि लोग जो हमारा डेटा को पढ़ पाएंगे या नहीं, मतलब रीड राइट कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो ये वाला URL हम कनेक्ट करने के लिए यहाँ से कॉपी कंट्रोल सी से, इसके बाद यहाँ हम कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ फायरबेस URL आ गया है, मतलब ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके साथ लिंक हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए रूल्स पर जाना होगा, मतलब हमारा जो डेटा होगा फायरबेस डेटाबेस पर वो लोग रीड कर पाएगा, मतलब अगर आपका मैसेजिंग ऐप है, मतलब शायरी का ऐप है, फायरबेस के साथ कनेक्ट है, यहाँ आप कुछ डेटा देंगे तो डायरेक्ट लोग रीड कर पाएगा, वो वाला डेटा लोगों ने राइट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आपको सिर्फ रीड पर ट्रू करना होगा और राइट करने के लिए राइट पर फॉल्स है ना, इसको ट्रू करना होगा। अगर आप सिर्फ राइट पर क्लिक करेंगे तो लोग उस वहाँ नहीं देख पाएगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है, नहीं देख पाएगा, ठीक है। और रीड पर ट्रू करेंगे तो देख पाएगा, तो इसके लिए हमको करना होगा ट्रू, रीड कर पाएगा तो लोग हमारा जो डेटाबेस पर कुछ वैल्यू होगा जो टेस्ट भी होगा वो लोग इस प्रोजेक्ट से देख पाएंगे अपने ऐप पर, ठीक है। इसके बाद पब्लिश पर क्लिक करना होगा, तो देखिए रूल्स पब्लिश हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमको जाना होगा फिर से डेटा, यहाँ से हमने ले लिया प्रोजेक्ट फायरबेस टोकन और यहाँ से ले लिया फायरबेस URL, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे आया है प्रोजेक्ट बाकेट, यहाँ हो गया है फायरबेस टेस्ट जो इसका इस प्रोजेक्ट का नाम था, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं अभी के लिए एम्प्टी। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपको किसी एक टेक्स्ट लेना है फायरबेस से, ठीक है, किसी एक टेक्स्ट लेना है फायरबेस से तो क्या करते हैं हम, यहाँ एक देखिए, यहाँ देखिए नेम देना होगा, ये हो गया है हमारा टैग और वैल्यू पर जो देंगे वो हो गया है वैल्यू, ठीक है। नेम हो गया है हमारा टैग, टैग मतलब यहाँ आप कुछ भी दे सकते हैं, अगर टैग पर अगर देंगे टैग वन, इसके बाद अगर दे दिया कि इसका वैल्यू क्या होगा, हेलो दे दिया ACLLO हेलो, तो इसके बाद देखिए जब भी ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये वाला मतलब यहाँ सेव हो गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। इसको डिसमिस कर देते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक टैग है, टैग का नाम है टैग वन और वैल्यू का नाम है हेलो, ठीक है। इस प्रोजेक्ट सॉरी इस वैल्यू को अगर हम ऐप पर शो कराना है तो क्या करना होगा, देखिए हम क्या करेंगे, जब भी एक बटन ले लिया और एक लेबल ले लिया, ठीक है, जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो लेबल है उस लेबल पर सॉरी इस लेबल पर ये वाला जो वैल्यू है इस टैग के अंदर ये शो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको जाना होगा ब्लॉक्स पर, लेकिन ब्लॉक्स से पहले मैं आपको बता दूं जो इसका फायरबेस प्रोजेक्ट बाकेट होता है ये क्या होता है, ठीक है। अब मान लो अगर आपका जो ऐप है इस पर कुछ नहीं है, देखिए यहाँ क्या है फायरबेस पर क्या है टैग वन और हेलो ये हमने बनाया है, और फिर से हम बना सकते हैं टैग टू वैल्यू पर WORLD ऑल्ट दे सकते हैं, देखिए यहाँ दो टैग हो गए हैं इसके अंदर, देखिए ये वाला जो फायरबेस टेस्ट है FIR टेस्ट इसके अंदर दो टैग है और दो वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको और एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ इस टाइप का, देखिए इसके अंदर है अर्न पॉइंट जीमेल लॉगिन, लॉगिन के साथ देखिए एक प्लस हो गया है, ठीक है, ये वाला हो गया है एक टैग, इसके साथ ये वाला हो गया है एक वैल्यू। इसके बाद देखिए देखिए लॉगिन पॉइंट यूजर नेम उड्रन, इस टाइप का जो देखिए इस साइट पर सिंबल भी है इसको कहते हैं प्रोजेक्ट बाकेट, ये एक्स्ट्रा करके एक बाकेट है, ठीक है। मान लो कि आपका ऐप बहुत लोगों ने यूज़ कर रहा है तो यहाँ आपने यूज़र्स का लॉगिन रखा, लॉगिन मतलब लॉगिन पासवर्ड, यहाँ एक फ़ोन नंबर के अंडर आपका देखिए इस पर दिखा देता हूँ, जब भी आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस टाइप का आ जाएगा, देखिए लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारा फ़ोन नंबर के साथ पासवर्ड है, तो ये हो गया है मतलब एक्स्ट्रा करके एक प्रोजेक्ट बाकेट, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ तो कुछ बाकेट नहीं है, प्रोजेक्ट बाकेट नहीं है, तो बाकेट नहीं होगा
तो डायरेक्ट आप ऐसा दे सकते हैं कि देखिए यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्ट ब्रैकेट पर एम्प्टी दे सकते हैं, यहाँ प्लस सिंबल नहीं है तो ब्रैकेट पर कुछ इस ब्रैकेट पर एम्प्टी देने से हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ एक ब्रैकेट पर आपने दे दिया कि क्या दोगे, मान लो कि टेस्ट वन, डायरेक्ट टेस्ट ही दे दिया, तो यहाँ देखिए ये हो गया है टेस्ट, इसके बाद एक यह हो गया है प्रोजेक्ट ब्रैकेट, इसका नाम है टेस्ट। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर इस URL से अगर हम कुछ वैल्यू लाएंगे यहाँ से फायरबेस से तो नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों टैग है इसके अंदर, इस URL के अंदर, ठीक है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट ब्रैकेट है यहाँ कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले इसको एम्प्टी करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि फायरबेस से ये वाला जो हेलो लिखा है वो हमको ऐप पर शो करना है, तो क्या करना होगा, ब्लॉक्स पर जाना होगा, देखिए बटन वन, जब भी बटन वन पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, फायरबेस का जो इस फायरबेस का जो वैल्यू है गेट वैल्यू, वैल्यू लाएगा, ठीक है, वैल्यू लाएगा कौन सा टैग का वैल्यू, मतलब देखो हेलो आएगा या ओल्ड आएगा, तो हेलो आना चाहिए हमको, हेलो आना चाहिए तो टैग वन देना होगा, इस टैग का नाम है टैग वन, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, वहाँ जो देंगे आपको यहाँ यही देना होगा, TAG टैग वन, टैग वन दे दिया तो इस टैग वन के अंदर जो वैल्यू है हेलो वही यहाँ शो होगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू तो आ गया, कहाँ शो होगा, गेट वैल्यू, मतलब वैल्यू आ गया, इसके बाद देखिए फायरबेस DB1 यहाँ बहुत सारा चीज़ है, गॉट वैल्यू, मतलब जब वैल्यू जब मिल जाएगा तब क्या होगा, तब क्या होगा, जो हमारा लेवल वन का जो लेवल वन, देखिए यहाँ लेवल वन है, इसका जो टेक्स्ट है यहाँ शो करा देंगे हम, तो सेट करना होगा, सेट लेवल वन टेक्स्ट, सेट लेवल वन टेक्स्ट टू, क्या सेट होगा, जो यहाँ वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ सेट हो जाएगा। देखिए इस पर टैग पर हमने कुछ नहीं दिया, तो टैग पर जो देना था वो हमने यहाँ पर ही दे दिया, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा। अगर यहाँ आप टेस्ट देंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट बकेट पर अगर आप टेस्ट देंगे या कुछ भी देंगे, तो जब आप ऐप को ओपन करेंगे, बटन ऑन पर क्लिक करेंगे, तो लेवल पर कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट बकेट नहीं है, ठीक है, देखिए यहाँ था, यहाँ कुछ प्रोजेक्ट बकेट है, देखिए लॉगिन है, पॉइंट है, यूज़र नेम है, ये सब प्रोजेक्ट बकेट है, और ये सब प्रोजेक्ट अर्न पॉइंट, जीमेल, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम रिडीम नंबर, मिनिमम रिडीम टेक्स्ट, नोटिफिकेशन, ये सब सिर्फ टैग है, इसके अंदर देखिए प्रोजेक्ट बकेट नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्रोजेक्ट बकेट है, और इसके अंदर बहुत सारा, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी एक्सपांड हो जाएगा, ठीक है, मतलब इस प्रोजेक्ट बकेट के अंदर टैग है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट बकेट के अंदर टैग है, तो इसको हम क्लोज कर दिया। अगर मान लो यहाँ जाते हैं हम, देखिए अगर मान लो एक प्रोजेक्ट बकेट के अंदर हमको कुछ लेना है, तो देखिए यहाँ अगर आप टेस्ट दोगे या कुछ भी दोगे, सबसे पहले हमको फायरबेस पर दे देना है, देखिए हमारा प्रोजेक्ट का नाम था, सॉरी प्रोजेक्ट बकेट का नाम था टेस्ट, तो इसके बाद देखिए वैल्यू पर हम दे देंगे तो ये हो जाएगा टैग, ये हो जाएगा वैल्यू, लेकिन हमको क्या करना है, इसको प्रोजेक्ट बकेट बनाना है, तो इसके लिए हमको करना होगा क्लिक एड साइड पर फिर से, तो देखिए ए वाला होगा ऊपर और नीचे फिर से आ गया है नेम और वैल्यू, ठीक है, नेम और वैल्यू। अब देखिए नेम पर हमने फिर से दे दिया टैग वन, यहाँ दे दिया हेलो, ठीक है, अब देखिए क्या डिफरेंस है, हम अगर प्रोजेक्ट बकेट पर एम्प्टी देंगे कुछ नहीं देंगे, यहाँ प्रोजेक्ट बकेट पर एम्प्टी देंगे कुछ नहीं देंगे, जब भी बटन ऑन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, टैग वन जो वैल्यू है, सॉरी टैग वन नाम का जो टैग है उसका वैल्यू लाएगा और लेवल वन पर सेट करा देगा, उसका वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम प्रोजेक्ट बकेट पर कुछ देंगे, प्रोजेक्ट बकेट पर मान लीजिए अब मैं दे दिया हेलो, तो देखिए जब भी बटन ऑन पर क्लिक करेंगे तो टैग वन, मतलब जो प्रोजेक्ट बकेट फायरबेस पर जो प्रोजेक्ट बकेट है इस पर हेलो नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट बकेट नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ क्या था, टेस्ट नाम का प्रोजेक्ट बकेट है, तो हमको यहाँ टेस्ट ही देना होगा, ठीक है, टेस्ट दे दिया, सॉरी TEST टेस्ट दे दिया, तो टेस्ट देने के बाद क्या होगा, अब देखिए जो यहाँ हमने टैग दिया था वो यहाँ से टैग नहीं आएगा, इसके अंदर जो टैग होगा, जितना भी टैग होगा इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट बकेट के अंदर जितना टैग होगा वहाँ से लाएगा, ठीक है, जितना मतलब यहाँ तो हमने सिर्फ टैग वन ही दिया तो टैग वन आएगा, यहाँ अगर आप मान लो कि यहाँ कुछ भी दे दिया, मान लो हाय दिया, सॉरी हाय, यहाँ दे दिया वेलकम, आप कुछ भी दे सकते हैं,
आपको सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ। देखिए यहाँ अगर अब हाई टेक के अंदर, इस टेक का नाम है हाई टेक के अंदर वैल्यू है वेलकम, तो इस वेलकम को हम अगर शो कराना चाहेंगे ऐप पर इस लेवल पर, तो देखिए फायरबेस पर गया, यहाँ तो फायरबेस टोकन यूआरएल हो गया है, यहाँ अगर कुछ नहीं देंगे प्रोजेक्ट बकेट एम्प्टी देंगे, और देखिए टैग का नाम क्या था हमारा, यहाँ जो टैग था हाई था, हाई का वैल्यू क्या था हाई दे दिया, हाई का जो वैल्यू है वो फायरबेस सॉरी ऐप पर लेवल वन जो था उस पर वैल्यू आ जाएगा, हाई का वैल्यू क्या है वेलकम है, हाई का वैल्यू वेलकम है यहाँ आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा क्यों, देखिए फायरबेस डीबी वन पर एम्प्टी है, प्रोजेक्ट बकेट पर एम्प्टी है, प्रोजेक्ट बकेट मतलब जो हाई वाला टैग है वो किसके अंदर है, यहाँ देखिए हाई वाला टैग टेस्ट के अंदर है, ठीक है, तो टेस्ट के अंदर मतलब टेक्स्ट बकेट हो गया है, यहाँ देना होगा टी ई एस टी, तब भी क्या होगा, देखिए प्रोजेक्ट बकेट टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट बकेट के अंदर जो टैग है हाई है, हाई टैग के अंदर वैल्यू क्या है वेलकम है, तब भी जाके आएगा। तो फायरबेस का जो बकेट है ऐसे ही काम करते हैं, अगर आप फायरबेस मान लो कि टेस्ट प्रोजेक्ट बकेट का जो टैग है हाई, इसका वैल्यू वेलकम यहाँ शो कराना है विदाउट प्रोजेक्ट बकेट, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रोजेक्ट बकेट देना ही होगा, लेकिन अब यहाँ ना देने से भी होगा, इसका देखिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे देता हूँ, ट्रिक से एक फायरबेस पर गया, ये हो गया है हमारा एक प्रोजेक्ट बकेट टेस्ट नाम का, तो ये वाला इस प्रोजेक्ट बकेट के अंदर जो टैग हो उस टैग का वैल्यू हम शो कराएंगे, तो यहाँ आप क्लिक कर सकते सिंपली, देखिए अब देखिए यहाँ जो यूआरएल था ना, देखिए यूआरएल जो था सॉरी यहाँ जो यूआरएल था इसके लास्ट में टेस्ट आ गया, अब देखिए बैक करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिए टेस्ट नहीं है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट बकेट पर क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू विंडो मार देते हैं, देखिए यहाँ जैसा ही है लास्ट पर firebase.io.com/, यहाँ देखना कि जो प्रोजेक्ट बकेट था उसका नाम भी साइट पर आ गया है, देखिए साइट पर आ गया है टेस्ट, ठीक है, आप जो भी यहाँ जो भी आप प्रोजेक्ट बकेट बनाओगे टेस्ट, इसका नाम देते हैं न्यू, इसके बाद फिर से यहाँ प्लस मतलब प्रोजेक्ट बकेट हमने बना रहा है न्यू नाम का, तो यहाँ टैग देते हैं वन, वैल्यू देते हैं हाई, ठीक है, इसके बाद ऐड कर दिया, तो देखिए ये हो गया है न्यू, ठीक है, अब हम इसको अगर क्लिक करेंगे तो देखिए सेम ही आएगा लास्ट पर, जो इसका जो यूआरएल है इस टाइप का आएगा, लेकिन स्लैश न्यू आएगा, ठीक है, स्लैश न्यू आएगा, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, देखिए लास्ट पर आ गया है स्लैश न्यू, अब देखिए अगर आपको इस टैग के अंदर से कुछ वैल्यू लेना है, देखिए इस टैग सॉरी इस प्रोजेक्ट बकेट के अंदर जो टैग है उसका कुछ वैल्यू लेना है टेस्ट, अगर आप देखिए यहाँ हमने प्रोजेक्ट बकेट पर दे दिया टेस्ट तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, आप ये भी कर सकते हैं कि ये वाला जो मतलब जो लास्ट पे जो लिंक था ना इसको भी डायरेक्ट आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी ना करने से भी होगा, देखिए लास्ट पर हमको कर देना होगा TEST टेस्ट दे दिया मतलब प्रोजेक्ट बकेट दे दिया, सेम ही हो गया है, तो प्रोजेक्ट बकेट कैसे काम करते हैं, इसका जो URL है और इस प्रोजेक्ट बकेट जो है वो दोनों प्लस हो जाते हैं आपस में, जो हम प्रोजेक्ट बकेट देते हैं इसके साथ प्लस होके उस URL से डाटा लाते हैं, ठीक है, अब देख मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा, डायरेक्ट नहीं दिखाऊंगा, देखिए यहाँ देखिए मेरा फायरबेस के ट्यूटोरियल पर बहुत सारे वीडियो हो वो आप देख सकते हैं, ये वाला वीडियो पर मैंने बताया गेट डाटा फ्रॉम फायरबेस, फायरबेस से आप टेस्ट कैसे ला सकते हैं, लाइव स्कोर अपडेट मतलब हमने जब बटन वन पर क्लिक किया तब भी वैल्यू जो है वो अपडेट हुआ है, या स्क्रीन वन होने के बाद अपडेट हुआ है, यहाँ लाइव चेंज करेंगे तो नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम जब ऐप ओपन होगा या बटन पर क्लिक होगा तब भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ लाइव स्कोर पर देने से देखिए इसका जो ब्लॉक से ये हो गया है, देखिए डेटा सेंस देने से लाइव ऑफ हो जाएगा आपका ऐप, अगर लाइव है मतलब ओपन है तब भी डेटा जो है वो सेंस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बहुत सारे वीडियो है मेरा फायरबेस डेटा विथ टाइम भी शो होगा, अगर किसी बंदा ये होगा है मान लो कि आपका जो ऐप है उस पर लोग पेटीएम रिक्वेस्ट भेजता है तो क्या होगा, उसका जो फ़ोन नंबर है वो आपके पास आ जाएगा, मतलब स्टोर कराना होगा आपको, ठीक है, यहाँ बहुत सारे है, देखिए फायरबेस का है उस फायरबेस सॉरी लॉगिन का है, वॉलपेपर के लिए बनाया था, वॉलपेपर के लिए स्टोरेज यूज़ करना होगा, स्टोरेज यहाँ फोटो अपलोड कर सकते हैं, इसके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत सारा वीडियो
मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।